नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोनी कॉफ डी एक्स कॉफ सिरप के बारे में, जो एक खांसी का सिरप है। दोस्तों, इस सिरप में हम आपको बताएंगे कि ये सिरप किस किस काम में आता है, कौन सी खांसी में काम आता है, इसकी MRP क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी कंपनी क्या है और इसका यूज कैसे करना चाहिए, इसके साल्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और खांसी में ये बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कि हमारा वीडियो कब आ रहा है और आप हमारे वीडियो देख पाएँ। और आगे आप किस मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आप किस मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहते हैं, हम आपको उसी मेडिसिन के ऊपर वीडियो देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये सिरप है रोनी कॉफ डी एक्स कॉफ सिरप है, खांसी का सिरप, ठीक है। इस पर लिखा हुआ देखिए नीचे से दोस्तों, एंटी एलर्जिक है, ये एंटी टूसिव है और फोर ड्राई कॉथ है। तो ये दोस्तों एलर्जी वाली खांसी के लिए भी है और कफ वाली खांसी के लिए भी है, सूखी खांसी के लिए भी है। ये 100 ml का आता है दोस्तों। इसकी MRP की बात कर लेते हैं तो ये 111 रुपये का है। और एलोपैथिक में कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लीजिए, देखने लेनी चाहिए आपको। देखिए जैसे इस पर लिखा हुआ है MFG डेट मई 2021, नीचे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट अप्रैल 2023, तो ये मई 2021 में बना है और अप्रैल 2023 तक चलेगा, मतलब कि 2 साल की इसकी अवधि है, ये 2 साल तक चलेगा। मतलब ज़्यादातर जो अमूमन एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो 2 से 2.5 साल के लिए ही बनाई जाती हैं। दोस्तों नीचे इसकी कंपनी है, नीचे लिखा हुआ है रोहिणी केमिकल्स फैक्ट्री लिमिटेड, ये रोहिणी कंपनी का है। और अब बात कर लेते हैं इसमें साल्ट कितना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर है, ये है डेक्स्ट्रो मीथापेन और हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोफिनोरामाइन मिलेट है इसके अंदर 2 mg। तो दोस्तों इसके अंदर ये साल्ट जो हैं वो 4 हैं, डेक्स्ट्रो मीथा मेथ्रोफेन और हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोफिनोरामाइन मिलेट कॉथ सिरप। दोस्तों ये जो इसकी वो हैं साल्ट हैं वो काफ़ी लंबे हैं, इसलिए थोड़ा सा अटक जाते हैं, काफ़ी लंबा है, बाकी जो मिस्टेक है उसके लिए माफ़ करें। और ये इसका हो गया। रही बात डोज की, तो डोज एज के हिसाब से होती है दोस्तों, कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या 10 साल से ऊपर जिनकी एज है वो 5 ml लें, और जो 5 साल से नीचे के बच्चे को ये नहीं देना चाहिए जो भी सिरप हैं एलोपैथिक, क्योंकि बच्चों का सिरप अलग आते हैं दोस्तों, ये बड़ों का सिरप है, 5 साल से नीचे के को ना दें। ये 10 साल से ऊपर के 5 ml और 10 से 5 साल के बीच के वाले को 2.5 ml देनी चाहिए गुनगुने पानी के साथ। और बाकी हर चिकित्सक अपने अपने तरीके से अलग अलग डोज बताते हैं, हर चिकित्सक की अलग तरह की डोज बताई जाती है। ये एक एवरेज है जो मैंने बताया है कि 10 साल से ऊपर 5 ml और 10 से 5 की एज के बीच में 2.5 ml और 5 साल से नीचे ये नहीं देना चाहिए। और दोस्तों जो इसका काम है वो इस पर लिखा हुआ ही है, यह सूखी खांसी में भी आता है, एलर्जी वाली खांसी में भी काम आता है और जिनको कफ आता है उस खांसी में भी ये काम आता है। तो दोस्तों ये सिरप काफ़ी अच्छा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो आप अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको इसके साथ एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी की दवा भी दे सकते हैं कंडीशन देखने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आप किस मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।